Hello learners, today we will do a new cue card, and the statement for this cue card is: describe a time when you saw a lot of plastic waste. Where and when you saw the plastic waste, why there was a lot of plastic waste, what you did after you saw it, and explain what your thoughts were about this. Well, I would love to begin by saying that as the world's population continues to grow, so does the amount of garbage that people produce and throw in the form of plastic. जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताते हुए शुरू करना चाहती हूँ कि world's population continues to grow. देश की दुनिया की जो population है, जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है, वैसे ही the amount of garbage, वैसे ही जो garbage है, लोग कचरा फेंक रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद वो थ्रो कर रहे हैं पब्लिक एरियाज़ में, तो वो चीज़ भी इंक्रीज़ होती जा रही है. लोग प्रोड्यूस करते हैं एंड थ्रो इन द फॉर्म ऑफ प्लास्टिक. प्लास्टिक का यूज़ काफ़ी ज़्यादा है, तो लोग यूज़ कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा और उसको थ्रो भी कर रहे हैं. इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग टू फाइंड इट एनीवेयर फ्रॉम नैरो स्ट्रीट्स टू लार्ज पब्लिक एरियाज़. तो जैसे कि ये कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं है, काफ़ी लोग इस चीज़ को कंसीडर कर रहे हैं कि लोग चाहे तो वो नैरो स्ट्रीट्स हैं, तंग गलियां हैं, छोटे छोटे इलाके हैं, आपको हर जगह पे लार्ज पब्लिक एरियाज़ में, बड़े छोटे से लेके बड़े पब्लिक एरियाज़ में आपको प्लास्टिक का जो गार्बेज मिलेगा. As plastic is composed of major toxic pollutants, it has the potential to cause significant harm not only to the ecosystems around us but also affects our own ability to grow food, which specifies that plastic negatively affects प्लांट ग्रोथ बाई ह्यूमन्स. जैसे कि प्लास्टिक कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं, ये एक मेजर टॉक्सिक पोल्यूटेंट से बनी होती है. इसमें जहरीला, टॉक्सिक मीन्स मतलब जहरीला, आप उससे रिलेट कर सकते हो, तो इट इज़ इक्वल टू पॉइजन. तो इसमें जो पोटेंशियल पाए जाते हैं बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, हानिकारक है, इनफैक्ट हार्मफुल है, ना कि सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए. लेकिन जिस तरह से हमारे देश में जो प्लांट्स के थ्रू फूड प्रोड्यूस किया जा रहा है, उनके लिए भी काफ़ी हार्मफुल है. दिस इज़ नॉट अनयूजुअल फॉर मी टू सी प्लास्टिक इन द एरिया वेयर आई लिव, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी ऑल सोसाइटी मेम्बर्स डू केयर अबाउट द सराउंडिंग्स ऑफ आर रेजिडेंशियल एरियाज टू बी क्लीन एंड ग्रीन फॉर द वेलबींग ऑफ सोसाइटी. दिस इज़ नॉट अनयूजुअल फॉर मी, ये मेरे लिए अनयूजुअल मतलब साधारण नहीं है देखना कि प्लास्टिक कभी मिले नहीं, ना मिले जिस एरिया में हम रहते हैं. लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कोशिश यही होती है, हमारी कोशिश या फिर बाकी सोसाइटी मेम्बर्स हैं, वो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि जो हमारी सराउंडिंग्स है, आसपास का एरिया है, वो साफ़ रहे, हरा रहे, क्लीन रहे, ताकि हम सोसाइटी मेम्बर्स अच्छे से वहाँ पर सर्वाइव कर सकें. By highlighting the hole here, I would love to share a time when I got pissed off after observing the supple and bendy stuff in the public garden of my community. I got pissed off. यहाँ पे एक phrase use की गई है, जब हमें बहुत गुस्सा आता है या फिर irritated हम हो जाते हैं किसी चीज़ से. तो यहाँ पे मैं एक highlight करना चाहती हूँ कि कैसे मुझे गुस्सा आया या फिर I got pissed off, जब मैंने बहुत सारा plastic देखा public garden में. जो हमारी society में एक पब्लिक गार्डन है, वहाँ पे अक्सर लोग आते जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सपल एंड बेंडी स्टफ़, एक ऐसा स्टफ़ होता है प्लास्टिक का जिसे हम मोड़ सकते हैं, उसे बेंड कर सकते हैं, तो एक सॉफ्ट प्लास्टिक होता है वाला स्टफ़ होता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा था पब्लिक गार्डन में. सो द मैटर वॉज लास्ट ईयर ऑन द अकाउंट ऑफ इंडिपेंडेंस डे. तो लास्ट ईयर इंडिपेंडेंस की ही बात है. उस दिन We all were gathered enthusiastically to hoist the flag ceremony in the park, as we do celebrate 15th of August every year with more passion and engrossed so that people could develop patriotic feelings towards the nation. जैसे कि इंडिपेंडेंस डे की बात हो रही है, तो हर साल हमारी सोसाइटी में 15 अगस्त जो होता है, आज़ादी का दिन मनाया जाता है विद मोर पैशन एंड एनग्रोस. एनग्रोस मतलब जो इनकरेजमेंट होती है लोगों में, पैशन, एंथ्यूजियास्टिकली लोग आगे आते हैं, फ्लैग सेरेमनी की जाती है, हॉइस्ट द फ्लैग सेरेमनी, जो फ्लैग सेरेमनी होती है स्पेशली ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस डे. तो हर साल हम गैदर होते हैं, तो इस बार भी हमारी यही कोशिश थी लास्ट ईयर कि हम फ्लैग सेरेमनी करें ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस डे, ताकि हम लोगों में पेट्रियाटिक फीलिंग्स, जो देशभक्ति वाली फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो डिवेलप कर सकें.
towards the nation, apne desh ke liye. Although we don't prefer to distribute any refreshment among members to avoid the chaos. Aur hamari koshish ye bhi hoti hai ki hum koi refreshments khane wali cheeze hain wo at least distribute na kare taaki chaos matlab mess ना हो किसी तरह का, क्योंकि ज़्यादातर अगर खाने वाली चीज़ें हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कोई सोशल गैदरिंग में तो वो काफ़ी क्योस हो जाता है, मैसी हो जाती है सिचुएशन, लोगों को संभालना मुश्किल हो जाता है. बट दिस ईयर आर डीन ऑफ लोकेलिटी डिसाइडेड टू गिव ऑफरिंग्स एंड बेसिक फूड आइटम्स टू लेट पीपल एन्जॉय द इवेंट कम्प्लीटली विद चिल्ड्रन. लेकिन इस बार सिचुएशन ये थी कि हमारे जो डीन है लोकेलिटी के, उन्होंने डिसाइड किया कि लोगों को ऑफरिंग्स देनी चाहिए. बेसिक रिफ्रेशमेंट्स होती हैं, छोटी मोटी फूड आइटम्स खाना प्रोवाइड करना चाहिए लोगों को ताकि वो अपने बच्चों के साथ पूरी तरह से एंजॉय कर सके. आफ्टर ऑल लोगों को खाने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है तो ये सोच के शायद हमारे डीन ने इस बार डिसाइड किया था. Thus, everyone in the area including my family and I participated for the same and cheered all. तो फिर हम everyone in the area including my family, तो एरिया में सारे फैमिली मेम्बर्स और मेरी फैमिली भी सब ने पार्टिसिपेट किया उस दिन के लिए 15th of August को सेलिब्रेट करने के लिए, और हम सब खुश थे. फर्दर आई शुड नॉट फॉरगेट टू टेल यू दैट ऑन द वेरी नेक्स्ट डे व्हेन आई एंटर्ड द पार्क आई फेल्ट अंडर द वेदर बिकॉज ऑफ द लेटर ऑफ प्लास्टिक यूज बाय द लोकल्स आफ्टर हैविंग द रिफ्रेशमेंट्स. तो यहाँ पे रिफ्रेशमेंट्स की बात हो रही थी कि क्योंकि इस बार हमारे डी ने डिसाइड किया था कि लोगों को रिफ्रेशमेंट्स खाने वाली चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी. लेकिन जैसे ही 15th of August के बाद नेक्स्ट डे जैसे ही मैं पार्क में गई, क्योंकि ये मेरा रूटीन है कि मैं पार्क में जाना होता है इवनिंग के टाइम, तो जैसे मैंने पार्क में एंटर किया इट वाज रियली अनएक्सपेक्टिंग फॉर मी. वहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा प्लास्टिक देखा और वो ऑब्वियस भी था क्योंकि लोगों ने जिस तरह से रिफ्रेशमेंट्स वहाँ पे एंजॉय किया था लेकिन उनको उसको कलेक्ट नहीं कर पाए और लोगों ने अननेसेसरी या उसको स्प्रेड किया था पब्लिक एरिया में जो कि रिक्वायर्ड नहीं था. इवन आई कुड नॉट स्टैंड देयर फॉर अ सेकेंड, ट्रूली इट वॉज डिसहार्टनिंग. तो इतना ज़्यादा प्लास्टिक का गार्बेज था वहाँ पे, अनहाइजीन प्लेस लग रहा था. तो मैं भी आई कुड नॉट स्टैंड देयर फॉर अ सेकेंड, मैं वहाँ पे कुछ एक सेकेंड के लिए भी नहीं रुक पाई. तो मेरे लिए काफ़ी डिसहार्टनिंग था, काफ़ी निराशा वाली बात थी. लास्टली आई मस्ट ऐड द आइडिया ऑफ गिविंग रिफ्रेशमेंट्स in the public is not a magnificent way to keep the areas hygiene as people do not worry about the environment. तो last में मैं ये ज़रूर बोलना चाहती हूँ कि refreshments देना publicly ये एक magnificent way नहीं है, मतलब बहुत ही अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि लोग हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं ना तो सराउंडिंग्स का ध्यान रखते हैं. लोग शायद अनअवेयर हैं और पब्लिक एरिया में कहीं पे भी वो गार्बेज थ्रो कर सकते हैं. सो दिस वाज द सिचुएशन व्हेन आई सॉ लॉट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट. तो ये एक सिचुएशन इंसिडेंट थी मेरी तरफ से जब मैंने बहुत सारा प्लास्टिक वेस्ट पब्लिक एरिया में देखा. सो थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस वाज द क्यू कार्ड.